So hi, good evening friends, this is Parvinder and I welcome you to my NP group, a YouTube channel. So बात करते हैं अभी की जो सबसे ज़्यादा important topic आ रही है वो पंजाब सुबह movement. तो ये कल के newspaper में आ चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम discuss करते हैं. उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे channel पे आपको जो Indian Express के maximum article मिलेंगे and सुबह आपको Indian Express का analysis भी मिलेगा. तो जो friends जो हैं सुबह किसी वजह से जिनका Indian Express नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरे चैनल पे आके पढ़ सकते हैं या इम्पोर्टेंट हेडिंग सुन सकते हैं. उसके लिए आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे मेरा जो है इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस अपडेट हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं पंजाब सुबह मूवमेंट में. तो बेसिकली ये पंजाब एंड हरियाणा के जब बाइफरकेशन हुए थे 1966 में, तो उसके लिए ये मूवमेंट जो था उस टाइम पर जो ये आई थी तो पंजाब में स्टार्ट हुई थी, जैसे लिखा हुआ है आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद ये धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी. तो इसमें एक शिरोमणि अकाली दल था, SAD बोलते जिसको हम अभी, तो ये मूवमेंट था. इसमें जो था पंजाब जो स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उन्हें वो चाहते थे कि पंजाब में कन्वर्ट करें, मीन्स जो भी लोग पंजाबी बोलते थे उन्हें सिर्फ पंजाब में रखें एंड बाकी को हरियाणा में शिफ्ट कर दें. तो इस मूवमेंट का एक स्लोगन था बेसिकली, तो स्लोगन इसमें दो स्लोगन थे, एक तो वो जो एक फेवर में थे क्योंकि कुछ लोग ने इसका अपोज भी किया, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि पंजाब जो थे एक सिंगल आइडेंटिटी रहे, वो बाइफरकेट ना हो हरियाणा में एंड पंजाब में. तो कुछ लोगों ने इसका अपोजिशन भी किया, ठीक है सॉरी अपोजिशन किया. तो इसमें जो था जो लोग इसके फेवर में थे कि पंजाब जो है बाइफरकेट होना चाहिए, तो उनका स्लोगन था पंजाब पंजाबी सुबह अमर रहे, ये उनका स्लोगन था. और जो चाहते थे कि अब पंजाब बाइफरकेट नहीं हो तो उनका स्लोगन था महापंजाब. तो ये दो स्लोगन थे, इन दोनों स्लोगन इस मूवमेंट में यूज़ हुए थे. तो अगर 6 अप्रैल 1955 को तो अमृतसर के DC थे, उन्होंने ये स्लोगन जो है बैन कर दिया था. तो बैन करने के बाद जो स्लोगन जैसे पंजाबी सुबह स्लोगन उन्होंने बैन कर दिया था, तो उन्हें लगा कि ये जो है जो अगेंस्ट द लॉ एंड द अदर ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें. तो उन्होंने क्या किया, अंडर सेक्शन 144 जो था इस स्लोगन को बैन कर दिया. तो इसके क्या सर्कमस्टेंसेज हुए, व्हाट इज़ द हैपन आफ्टर द बैन, बैन के बाद क्या हुआ. तो जो था जो शिरोमणि अकाली दल था उसने था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिकॉज तब देश आज़ाद हो गया था, लोग काफ़ी जो थे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लगे थे, तो लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ किया इसमें. एंड उन्होंने कहा कि ये इसको ये जो बैन नहीं होना चाहिए, हमारा स्लोगन बैन नहीं होना चाहिए. देन अप्रैल 24th 1950 में एक उन्होंने बोला कि हम एक पीसफुल नॉन वायलेंस मूवमेंट करेंगे. तो उन्होंने जो था पंजाबी सुबह जो था उसको रिवोक करने के लिए दोबारा से उसको पाने के लिए या उसका बैन हटाने के लिए जो था उन्होंने दोबारा से जो था ये 10th मई 1955 को दोबारा से एक नॉन वायलेंस पीसफुल मूवमेंट शुरू कर दी. अब पंजाब का जैसे मैंने बताया कि पंजाब भी चाहते थे कि एक पंजाब की एक अलग सी जो स्टेट हो जिसमें सिर्फ पंजाबी बोलने वाले लोग हो. तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किया कि तो उन्होंने जो है पंजाबी जो है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आए. तो उन्होंने जो था उनका एक जो थे मास्टर तारा सिंह जो थे उन्होंने जो वो इस बीच जो थे अरेस्ट हो गए थे, जो कि काफ़ी उस टाइम जो थे फेमस जो थे उस टाइम लीडर रहे थे उस टाइम के. और इसके अलावा भी काफ़ी लोग नियर अबाउट 400 यानी शिरोमणि अकाली दल के लीडर्स जो थे 400 वो भी अरेस्ट हुए थे. तो जो इस बात का जो था बैक था जो इस बात को लेकर जो हरियाणा के जो लोग चाहते थे कि हरियाणा आए उन्होंने भी उनका SAD वालों लीडर्स का काफ़ी साथ दिया. तो इसके बाद एक मीटिंग होती है जिसमें कि वो सब जो था अकाल तारक जो एक गोल्डन टेंपल के पास जगह है वहाँ पे जो है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे मीटिंग करते हैं. तो इस वजह से पुलिस को जो है गोल्डन टेंपल के वहाँ पे जो है काफ़ी हाई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है. तो इसका जो पुलिस के जो एक्शन हुआ था गोल्डन टेंपल पे क्या एक्शन होता था, पुलिस जब गोल्डन टेंपल पे जाती है तो उन्हें वहाँ पे क्या एक्शन लेने पड़ते हैं. तो 4th जुलाई सुबह 4 बजे की बात है 1955 में, जो उस टाइम के DIG थे डिप्टी इंस्पेक्टर थे पुलिस के अश्विनी कुमार थे, वो पुलिस लेके जाते हैं कहाँ पे गोल्डन टेंपल में, ठीक है वो भी विदाउट शूज़ चले जाते हैं गोल्डन टेंपल में और वहाँ पे जो है जो वहाँ पे लंगर होता था उस टाइम पे वहाँ पे लंगर उगवा देते हैं वो लोग और सभी बर्तनों को इधर उधर फेंकते हैं. एंड गुरु रामदास जी की जो वहाँ पर इन थी यानी समाधि होती है जहाँ पर गुरु रामदास की, उसमें भी वो रेड मारते हैं कि कोई जो है SAD का लीडर उनसे बचे ना, वो सबको अरेस्ट करके वहाँ से गोल्डन टेम्पल से अरेस्ट करके ले जाते हैं.
जिसमें कि उनके प्रीस्ट वगैरह ये भी सब अरेस्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है पुलिस जो है इस बारे में बाद में उनको क्रिटिसाइज़ करती है, एंड जो लोग पुलिस जो है पुलिस को जो है बाहर जो है SAD के और मेंबर्स जो होते हैं वो फ्लैग दिखाते हैं कि आपने स्लोगन बंद कर दिए, देन आप हमारे जो है गोल्डन टेम्पल में घुस गए, तो उसका प्रोटेस्ट करते हैं बाद में लोग। फिर ये अब पंजाब बाइफरकेट हो जाता है 1966 में, तो वो पीछे प्रोटेस्ट होता है, देन रिस्टोर हो जाता है वो स्लोगन। तो उस बात को फिर मद्देनजर रखते हुए जो है गवर्नमेंट 1966 में पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास करती है, जिसमें कि पंजाब और हरियाणा अलग स्टेट हो जाते हैं। तो जिसमें जो है पंजाब जो है वो 17th स्टेट बन जाता है इंडिया का, वहीं जो है ईस्ट पंजाब जो होता है नाउ पंजाब एंड हरियाणा में डिवाइड हो गया था। कुछ एक टेरिटरीज थी लाइक जो अपर टेरिटरीज थी इसकी कांगड़ा वगैरह की, वो हिमाचल में चली जाती हैं इसकी। वहीं जो चंडीगढ़ है इसका वो एक UT बन जाता है जो दोनों पंजाब एंड हरियाणा को सर्व करता था, बोस्ट प्रोविजन को वो सर्व करता है। तो ये अंडर द रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1966 में हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्रिएशन ऑफ स्टेट की बात करें, तो जैसे कि क्रिएशन ऑफ स्टेट हुआ हरियाणा एंड पंजाब, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या जगह है वो भी हम देखते हैं। तो जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यूनियन गवर्नमेंट के नाम से है, कोई भारत कोई भारत है वहाँ पे इंडिया मेंशन नहीं किया, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कोई भी स्टेट बना सकती है, या तो दो स्टेट्स को मर्ज करके या एक स्टेट को तोड़ के। तो इसमें वही हुआ केस कि उन्होंने एक स्टेट को तोड़ा है, सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ यहाँ पे। देन तो इसमें रिकॉग्नाइजेशन किस बेस पे हुआ था, रिलीजियस एथिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव लिंग्विस्टिक्स, तो ये कुछ एक जो रिकॉग्नाइजेशन बेसिस थे। वहीं Article 3 की बात करें तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस असेंबली में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी भेज सकता है, साथ में रेजुलेशन भी असेंबली में पास किया जा सकता है, और असेंबली में बिल ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट भी पास किया जा सकता है, या बिल न्यू स्टेट को बाइफरकेट करने का भी बिल पास किया जा सकता है। तो ये Article 3 में। सो गाइज ये थी जो हमारी पंजाब सुबह रहे तो उसकी जो वीडियो थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।